नमस्ते दोस्तों, आज हम देश के अमीर मंदिरों के बारे में बात करेंगे। भारतीय परंपरा और इतिहास में मंदिरों का बड़ा महत्व है। ये हमारी आस्था के साथ साथ देश की समृद्ध धार्मिक विरासत के भी प्रतीक है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में 5 लाख से अधिक मंदिर है। देश में कई ऐसे मंदिर है जहाँ हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। लोग मंदिरों में जाकर मन्नत मांगते हैं और इसके पूरे होने पर अपनी हैसियत के मुताबिक मंदिरों में रुपये, सोना और चांदी आदि दान करते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिनकी गिनती देश के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम। केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार द्वारा की जाती है। इस मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने और सोने की मूर्तियां शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार मंदिर की 6 तिजोरियों में कुल $20 अरब की संपत्ति है। यही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति विराजमान है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपये है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश। देश के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर दान के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। भक्त यहां हर साल लगभग 650 करोड़ रुपए दान के रूप में देते हैं। लड्डू का प्रसाद बेचने से ही मंदिर को लाखों रुपए की कमाई होती है। तिरुपति मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि मंदिर के पास 9 टन सोने का भंडार है और विभिन्न बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में 14,000 करोड़ रुपए जमा है। साईं बाबा मंदिर शिरडी। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित साईं बाबा मंदिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर के बैंक खाते में 380 किलो सोना, 4,428 किलो चांदी और डॉलर और पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं के रूप में बड़ी मात्रा में धन के साथ साथ लगभग 1800 करोड़ रुपए जमा है। 2070 में रामनवमी अवसर पर एक अज्ञात भक्त द्वारा मंदिर को 12 किलो सोना दान किया गया था। इस मंदिर में हर साल करीब 350 करोड़ का दान आता है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू। वैष्णो देवी मंदिर को देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में हर साल 500 करोड़ रुपए की आय होती है जो इसे देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक बनाती है। देश और दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। बॉलीवुड के मशहूर हस्तियों से लेकर बिजनेस टाइकून तक कई मशहूर हस्तियां देखी जाती है। इस मंदिर को 3.7 किलोग्राम सोने से कोट किया गया है जिसे कोलकाता के एक व्यापारी ने दान किया था। रिकॉर्ड के अनुसार मंदिर को दान और चढ़ावे से सालाना करीब 125 करोड़ रुपए की इनकम होती है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। यह देश के उन चंद मंदिरों में शामिल है जहां रोजाना 20,000 से 30,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की सालाना कमाई करीब 6 करोड़ रुपए की है। इस मंदिर परिसर में करीब 33,000 मूर्तियां है। मुख्य मूर्ति देवी मीनाक्षी की है जो भगवान सुंदरेश्वर की पत्नी है। मंदिर में 2 गोल्डन कॉट है जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। यह देश के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल है। जगन्नाथ मंदिर पुरी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है जिसे देश और यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने से अपने भक्तों से भारी मात्रा में दान मिलता है। हालांकि मंदिर की सही संपत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अनुमान है कि मंदिर में 100 किलो से अधिक सोने और चांदी के सामान है। प्राचीन मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है।
इसके अलावा मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हमेशा देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक रहा है। यही वजह है कि महमूद गजनी ने इसे 17 बार लूटा था। इस मंदिर को आज भी गुजरात में एक समृद्ध मंदिर के रूप में गिना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में बनाया गया है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। सोमनाथ में हर साल करोड़ों का जड़ावा आता है, इसलिए ये भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। सबरीमला अयप्पा मंदिर केरल। यह भी देश के अमीर मंदिरों की सूची में शामिल है। हर साल करीब 10 करोड़ श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। यह मंदिर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच समुद्र तल से 4133 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे अनोखी पहचान यह है कि यहाँ केवल पुरुष ही जा सकते हैं। यात्रा सीजन में इस मंदिर को करीब 230 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल गांव के पास 100 एकड़ जमीन पर बने स्वामीनारायण मंदिर को अक्षरधाम मंदिर भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर के तौर पर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसमें 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला को दर्शाया गया है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। मंदिर में भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति सोने की बनी है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर देश के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल 30 लाख से अधिक घरेलू और 2 लाख विदेशी पर्यटक इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, जो इसे देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बनाता है। मंदिर के 3 गुंबजों में से 2 में सोने की परत चढ़ी हुई है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर, जिसे गोल्डन टेंपल के नाम से जाना जाता है, भारत के अमृतसर में स्थित सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस स्वर्ण मंदिर का नींव सिख धर्म के 4th गुरु रामदास जी के द्वारा रखा गया था। इस मंदिर को कई बार नष्ट करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन सिख धर्म के आस्था एवं भक्ति की वजह से इस स्वर्ण मंदिर को फिर से पुनर्निर्मित कर लिया गया। यहाँ पर सिख धर्म से जुड़ी भारत के अलग अलग क्षेत्रों से काफी अधिक संख्या में भक्त आया करते हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर की औसतन वार्षिक आय सैकड़ों करोड़ों रुपया में चढ़ावा और दान आया करता है, जिसकी वजह से यह मंदिर भी भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में शामिल किया गया है।